स्वागत है दोस्तों। 1950 और 1960 के दशक को इंडियन फुटबॉल का गोल्डन एरा कहा जाता है, क्योंकि यही वो दौर था जहां टीम इंडिया ने दो बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ एक बार ओलंपिक गेम्स के सेमीफाइनल तक भी पहुंची थी। और इस सब का पूरा श्रेय फुटबॉल कोच सईद अब्दुल रहीम को दिया जाता है, जिन्हें लोग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन फुटबॉल भी कहते हैं। पर आखिर क्या थी सईद अब्दुल रहीम की लाइफ स्टोरी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अब्दुल रहीम साल 1909 के हैदराबाद में पैदा हुए थे और बचपन से ही उनको फुटबॉल खेलने में काफी इंटरेस्ट था। और ये इसी इंटरेस्ट का नतीजा था कि महज 11 साल की उम्र में ही वो फुटबॉल के नए नए ट्रिक्स खुद ही डेवलप कर लेते थे। पर उस समय हैदराबाद में फुटबॉल की पॉपुलैरिटी ना के बराबर थी और इस वजह से उनको आगे बढ़ने का स्कोप कभी मिला ही नहीं। और इसलिए उन्होंने बड़े होके उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और एक स्कूल टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली। पर उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया साल 1920 में, जब हैदराबाद में फुटबॉल का कल्चर आया और उनको उस्मानिया यूनिवर्सिटी के फुटबॉल टीम के तरफ से खेलने का मौका मिला। फिर उन्होंने फील्ड के ऊपर ऐसा गजब का परफॉर्मेंस दिखाया कि अगले 20 सालों तक उनको हैदराबाद के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स में गिना जाने लगा। फिर 1943 में उनके इनोवेटिव टेक्निक्स और मैच के दौरान टीम मैनेजमेंट स्किल्स को देख के उनको HCP यानी हैदराबाद सिटी पुलिस की फुटबॉल टीम में कोच बना दिया गया। दोस्तों, उस समय तक हैदराबाद में फुटबॉल को ड्रिबलिंग नाम की एक पुरानी ब्रिटिश टेक्निक से खेला जाता था, पर अब्दुल रहीम कोच बनने के बाद प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा पास करके खेलने की टेक्निक सिखाई और साथ ही साथ दोनों पैरों से इक्वल फोर्स लगा के खेलने पर भी जोर दिया। इस सब का नतीजा ये हुआ कि HCP तब की बड़ी बड़ी टीमें जैसे बेंगलोर और बंगाल को आसानी से हराने लगी और देखते ही देखते कुछ ही सालों के अंदर HCP नेशनल लेवल की सबसे बड़ी टीम बन गई। HCP की इसी सक्सेस को देख के 1949 में अब्दुल रहीम को इंडियन फुटबॉल टीम का कोच बना दिया गया। और एक कोच के तौर पे उनकी पहली बड़ी चुनौती थी इंडिया में होने वाले 1951 के एशियन गेम्स। और ये उनकी कोचिंग का ही नतीजा था कि टीम इंडिया ने फाइनल्स में अपने से कहीं ज्यादा काबिल ईरान की टीम को 1-0 से हरा के गोल्ड मेडल जीता। फिर उनकी अगली चुनौती थी फिनलैंड में होने वाले 1952 के ओलंपिक गेम्स, जहां पूरे देश को टीम इंडिया से काफी उम्मीदें थी। पर ओलंपिक गेम्स के पहले ही मैच में इंडिया को यूगोस्लाविया से 10-1 की भारी हार का सामना करना पड़ा और इस बेहद ही खराब प्रदर्शन की वजह थी इंडियन फुटबॉलर्स का नंगे पांव में खेलना। जी हाँ दोस्तों, उस समय तक टीम इंडिया के प्लेयर्स बिना जूतों के ही फुटबॉल खेला करते थे, जो कि इंडिया जैसे गर्म देश के लिए तो ठीक था, पर फिनलैंड जैसे ठंडे देश में काफी दर्दनाक साबित हुआ। इस हार के बाद अब्दुल रहीम ने टीम इंडिया में जूते पहन के खेलना मैंडेटरी कर दिया और साथ ही साथ ओलंपिक के विनर्स हंगरी की टीम से सीख लेते हुए इंडिया में खेले जाने वाले पुराने स्टाइल के W फॉर्मेशन को चेंज करके हर प्लेयर को इंडिपेंडेंट पोजीशन में खेलना सिखाया। शुरुआत में उनके इस डिसीजन का बहुत विरोध हुआ, पर जब 1952 में टीम इंडिया ने अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को हराया तब सबकी बोलती बंद हो गई। फिर फिलीपींस में 1954 का एशियन गेम्स हुआ, जिसमें टीम इंडिया लीग मैचेस में ही बाहर हो गई, जिसके बाद सारे प्लेयर्स का मोरल डाउन हो गया था। पर वो अब्दुल रहीम ही थे जिन्होंने तब टीम को संभाला और आगे के मैचेस के लिए फिर से तैयार किया। उनकी इस तैयारी का असर ऐसा हुआ कि 1956 के ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली एशिया की पहली टीम बन गई और आज तक इसे टीम इंडिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। फिर आई अब्दुल रहमान की जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती और ये थी जकार्ता में होने वाले 1962 के एशियन गेम्स। उस समय इंडिया और इंडोनेशिया के डिप्लोमेटिक रिश्ते बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे थे और इस वजह से जकार्ता में इंडियन प्लेयर्स का भारी विरोध हो रहा था। हालात इतने खराब थे कि बाकी स्पोर्ट्स के लिए गए हुए कई सारे प्लेयर्स को जबरदस्ती गेम छोड़ के वापस इंडिया आना पड़ा, पर अब्दुल रहीम और उनकी टीम फिर भी डटी रही। उन्हें नेशनल एंथम गाने की भी परमिशन नहीं दी जा रही थी और साथ ही साथ स्टेडियम में आते और जाते टाइम उनके बसों पे लोग पथराव कर रहे थे, जिस वजह से सारे प्लेयर्स को सीट के नीचे छुप के सफर करना पड़ रहा था। दोस्तों, आप ये जान के चौंक जाएंगे कि उस समय अब्दुल रहीम खुद कैंसर से जूझ रहे थे, पर फिर भी उन्होंने टीम का मोरल टूटने नहीं दिया। फिर आया ओलंपिक्स का फाइनल मैच, जो कि टीम इंडिया और साउथ कोरिया के बीच होना था। दोस्तों, साउथ कोरिया तब की सबसे मजबूत टीम थी और लगातार मैचेस होने के कारण टीम इंडिया के दो प्लेयर्स घायल और गोलकीपर बीमार पड़ गए थे। इस वजह से टीम ने जीतने की उम्मीद छोड़ दी थी और तब फाइनल मैच के पहली वाली शाम को अब्दुल रहीम ने सारे खिलाड़ियों को एक इमोशनल स्पीच देते हुए कहा, कल आप लोगों से मुझे सिर्फ एक आखिरी तोहफा चाहिए, कल आप गोल्ड जीत लो।
और इस लाइन का असर ऐसा हुआ कि अगले दिन मैच में सारे प्लेयर्स ने अपनी जी जान लगा दी और साउथ कोरिया को 2-1 से हरा के गोल्ड मेडल जीत लिया। दोस्तों, इसके कुछ ही महीने बाद कैंसर ज्यादा बढ़ने की वजह से अब्दुल रहीम को कोच का पद छोड़ना पड़ा और उनको बॉम्बे के मशहूर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 6 महीने गुजारे। और 11 जून 1963 यानी गोल्ड जीतने के ठीक 9 महीने बाद उनकी मौत हो गई। दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया के नए कोच बने टीम के ही पुराने प्लेयर अल्बर्टो फर्नांडो। और 1964 में जब वो टीम इंडिया को लेके ब्राजील के एक टूर पे गए थे, तब वापस आके उन्होंने कहा, जो टेक्निक्स रहीम सर ने हमें 1956 में सिखाई थी, वही सेम टेक्निक्स ब्राजील में अब सिखाई जा रही है। इससे ये साबित होता है कि अब्दुल रहीम अपने समय से कहीं आगे थे और इंडियन फुटबॉल में उनकी जगह शायद ही अब कोई ले सके। तो दोस्तों, ये थी फुटबॉल कोच सईद अब्दुल रहमान जी की स्टोरी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।